बच्चों स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल इनकलूजिव एजुकेशन। अज आप जमात दसवीं का सत्तवां पाठ आर्थिक विकास विच खेती का योगदान पढ़न जा रहे हैं। इस पाठ नूं ध्यान नाल सुनना, इस चैनल सबसक्राइब करो ता जो तुहानूं इस पाठ के बाद प्रश्न उत्तर भी समय सिर मिल सकन। बच्चों भारत एक खेती प्रधान देश है। इसकी दो तिहाई तो भी वध आबादी पिंडां विच रहिंदी है जो कि अपने जीवन निर्वाह लई वधेरे तौर पर खेती उत्ते निर्भर है। खेतीबाड़ी अते इस नाल जुड़े सहायक धंधियां दा देश दे कुल घरेलू उत्पाद विच भी अहम योगदान है। इस तरह खेतीबाड़ी साडे देश की आर्थिकता दी रीढ़ की हड्डी मनी जाती है। खेतीबाड़ी देश दे लोकां लई रुजगार दा इक वड्डा साधन है। भारत विच 53% अद्धे तो ज़्यादा भी रोज़गार जिहड़े सीधे तौर पर खेतीबाड़ी विच लगे हुए हैं। मुड़ तो ही खेतीबाड़ी के खेतर का राष्ट्रीय आमदन विच अहम हिस्सा रहा है। साल 2012-13 दौरान खेतीबाड़ी खेतर ने देश की कुल घरेलू आमदन जिहड़ी GDP हुंदी है विच 13.7% योगदान पाया है। आर्थिक विकास लई जरूरी है कि खेतीबाड़ी उत्ते निर्भर आबादी की प्रतिशतता घटाई जाए अते खेतीबाड़ी विच मौसमी बेरोजगारी अते लुकवीं बेरोजगारी नाल संबंधित लोगों नूं उद्योग अते सेवावां विच लगाया जाए। जिस समय फसलां खेतों च रोज़गार नहीं मिलता उदों कोई उद्योगों च भी उन्हां नूं काम मिलना चाहिए क्योंकि ज्यों ज्यों किसी देश दे आर्थिक विकास हुंदा है उसकी खेतीबाड़ी उत्ते निर्भरता घटती जाती है अते उद्योग दे सेवावां उत्ते निर्भरता वधदी जाती है। साढ़े देश विच खेतीबाड़ी खेतर विच लगे लोग खेतीबाड़ी नाल संबंधित धंधियां विच ही लगे हुए हैं। देश विच लगभग 70 मिलियन परिवार केवल डेयरी फार्म के धंधे विच लगे हुए हैं जो कि विश्व के कई देशों की कुल आबादी नालों भी कितने वध है। डेयरी फार्म मुर्गी पालन, मच्छी पालन, सूर पालन, पशु पालन, शहद दी मक्खियां, वन खेती आदि खेतीबाड़ी नाल संबंधित धंधे बहुत हद तक खेतीबाड़ी उत्ते निर्भर करते हैं। पशुओं लई चारा, शहद दी मक्खियां लई रुख, फुल आदि खेतीबाड़ी नाल ही संबंधित हैं। इन्हां धंधियां तों जिथे एक पासे लोगों नूं दुध, अंडे, मीट, मच्छी, शहद आदि रूप में वधिया ते पौष्टिक खुराक मिलती है उत्थे दूजे पासे इन्हां धंधियां नूं अपनाउण वाले किसानों की आमदन विच भी वाधा हुंदा है। देश विच पूंजी निर्माण दे विच मदद मिलती है जिस नाल अर्थव्यवस्था होर मजबूत हुंदी है। देश विच उद्योगिक विकास लई खेतीबाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रमुख उद्योगों नूं कच्चा माल खेतीबाड़ी तो ही प्राप्त हुंदा है जिवें कपड़ा उद्योग लई कपाह, चीनी उद्योग लई गन्ना, पटसन उद्योग लई पटसन आदि। खेती उत्ते आधारित कई छोटे पैमाने अते घरेलू उद्योग जिवें चावल, शैलर, तेल कढ़न वाले कारखाने आदि भी कच्चे माल की पूर्ति लई खेतीबाड़ी ते ही निर्भर करते हैं। इन्ना ही नहीं सगों खेतीबाड़ी खेतर विच उद्योगों नूं अपनियां बनाईयां वस्तां वेचण लई बाज़ार भी मिलता है। उद्योगिक खेतर विच बने ट्रैक्टर, खेतीबाड़ी मशीनरी, रसायन खादा आदि की खपत भी खेतीबाड़ी विकास अते किसानां दी आमदन दे वधन नाल संभव हुंदी है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि खेती विकास नाल देश विच उद्योगिक विकास हुंदा है अते उद्योगिक विकास नाल खेतीबाड़ी का विकास हुंदा है जिस नाल देश विच आर्थिक विकास संभव हुंदा है। खेतीबाड़ी अते उद्योगिक खेतर तो बाद पंजाब अर्थव्यवस्था का तीजा ते आखरी प्रमुख खेतर है। सेवावां खेतर एक खेतर उद्योग अते खेतीबाड़ी खेतर नूं सेवावां जिवें कि बैंक की सेवा, आवाजाई सहूलत, भंडार लई गोदाम, बीमा, सैर सपाटा आदि प्रदान करता है। देश विच खेतीबाड़ी खेतर दे विकास नाल इस खेतर विच भी वाधा हुंदा है। खेती उत्पाद नूं उस राज जां थां जिथे वह वाधू मात्रा विच प्राप्त है जां उस राज जां थां जिथे उस दी वधेरे घाट है जां लोड़ है तक पहुँचाउण अते ढोआ ढुआई विच लगे आवाजाई दे साधनां दा विकास अते इस विच लगे लोकां दी आमदन विच वाधा खेतीबाड़ी खेतर विच जुड़िया हुंदा है। इस तरह देश दे इक सिरे तों दूजे सिरे तक खेती उत्पाद अते खेती लई लोड़ींदी वस्तां नूं पहुँचाउण वालियां रेलां नूं भी आमदन प्राप्त हुंदी है अते देश विच रेलवे का विस्तार हुंदा है।
खेतीबाड़ी भोजन का मुख सोमा है। जनसंख्या अनुसार साडा देश विश्व का दूजा वड्डा देश है। एक अनुमान अनुसार घरां विच उपयोग का लगभग 60% हिस्सा खेतीबाड़ी नाल संबंधित हुंदा है। देश की आज़ादी तो तुरंत बाद कई दहाकों तक देश में अनाज की पूर्ति लई विदेशों ते निर्भर रहना पिया। खेती विच सुधरे बीज, खेती मशीनरी, रसायनिक खादा, कीटनाशक दवाइयां आदि की वरतों नाल खेती विज्ञानियों ने लगातार खोजा अते किसानां दी अंथक मेहनत सदका देश विच हरी क्रांति आई। देश विच ना केवल अनाज जिवें चावल अते कणक की पैदावार वधी, सगो गैर अनाज फसलां जिवें चाह, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियां आदि भी पैदावार कई गुणा हो गई। भारत विच साल 1950-51 विच अनाज की कुल पैदावार 51 मिलियन टन सी, जो कि 13-14 विच 264 मिलियन टन हो गई। अनाज दी उत्पादता दी वध के लगभग 2125 किलोग्राम प्रति हैक्टर तक पहुँच गई। इस तरह अनाज के खेत्र में देश हुण स्वयं निर्भर हो गया है। देश की आबादी से लगातार वाधे के बावजूद भी साल 2012 विच देश विच लगभग 82 मिलियन टन अनाज का भंडार सी, जो कि एक रिकॉर्ड सी। अनाज के इस भंडार नाल आने वाले समय में अनाज की पूर्ति के घटने नाल पैदा होने वाले कीमतों के वाधे के डर उत्ते काबू पाया जाता है। इस तरह अर्थव्यवस्था में होर बहुत सारिया वस्तुओं की कीमतों के वधन नूं भी ठल पैंदी है। देश में लोक वितरण प्रणाली अधीन जरूरतमंद लोगों वास्ते हर महीने अनाज भी इस भंडार विचों ही जारी किया जाता है। देश में भोजन सुरक्षा भी खेती विकास अते अनाज भंडारण करके ही संभव हो सकी है। भारत सरकार ने साल 2013 विच भोजन सुरक्षा एक्ट पास किया है, जिस अनुसार देश की 75% पेंडू आबादी अते 50% शहरी आबादी नूं 5 किलो प्रति जी प्रति महीना के हिसाब नाल अनाज देने की तजवीज़ है। इस तरह हर साल लगभग 82 करोड़ आबादी नूं 61 मिलियन टन अनाज सस्ते मुल उत्ते मुहैया करवाया जाएगा। गरीबों लई इह बहुत वधिया स्कीम है। भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापारी डूंघे तौर पर खेतीबाड़ी नाल जुड़िया होया है। कई खेती वस्तां जिवें चाह, कॉफी, कपाह, तेल, फल, सब्जियां, दालां, काजू, मसाले अते इत्थों तक कि हुण चावल अते कणक भी होर देशां नूं निर्यात कीतियां जांदियां हन। साल 2012 विच भारत ने चावल निर्यात विच पहला दर्जा हासिल करके थाईलैंड नूं पिछे छड्ड दित्ता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2013 अनुसार खेतीबाड़ी अते अनाज निर्यात विच भारत ने विश्व विच अपना 10वां थां बना लिया है। इस तों इलावा खेती तों प्राप्त कच्चे माल तो बनिया वस्तां जिवें सूती कपड़ा, धागा, बने बनाए वस्त्र, पटसन तो बनिया वस्तां आदि का भी निर्यात किया जाता है। साल 13-14 विच भारत का कुल खेती निर्यात $42 बिलियन का सी, जदों कि इस दे मुकाबले इसे साल देश की कुल खेती आयात $17 बिलियन का सी। इस तरह साल 13-14 च भारत का व्यापार संतुलन $25 बिलियन के नाल वधदा जा रहा है। मतलब खेतीबाड़ी देश की केंद्र सरकार अते राज सरकारां दी आमदन का एक वड्डा सोमा भी है। केंद्र सरकार खेती वस्तुओं के निर्यात उत्ते निर्यात ड्यूटी लगाउंदी है, जिस नाल आमदन प्राप्त हुंदी है। राज सरकारां नूं भूमि लगान, सिंचाई कर आदि तो चंगी आमदन इकट्ठी हुंदी है। इस तों इलावा खेती जिनसा दे बाजारीकर नाल संबंधित फीस दा सरकार दी आमदन बनती है। अजिही आमदन मुड़ देश दे विकास विच योजनाबद्ध तरीके नाल खर्च की जाती है, जिस नाल देश दी अर्थव्यवस्था होर मजबूत हुंदी है। सो बच्चो, ए सी पाठ 7वां तुसीं ध्यान नाल सुनिया है। इस दे प्रश्न उत्तर प्राप्त करन लई चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन जरूर दबो ताकि नोटिफिकेशन तुहानूं समय सिर मिल सके। धन्यवाद।